रात भीग चुकी थी मैं बरामदे में खड़ा था सामने अमीन उद्दौला पाक नींद में डूबा खड़ा था सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी पाक के बाहर सड़क के किनारे एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था खुदा और रसूल का वास्ता राम और भगवान का वास्ता इस अंधे पर रहम करो सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था इक्के दुक्के आदमी नजर आ जाते थे फकीर की आवाज जो पहले नख कारखाने में तूती की आवाज थी अब खुले मैदानों की बुलंद पुकार हो रही थी एकाएक वह औरत उठी और इधर उधर चौकनी आंखों से देखकर फकीर के हाथ में कुछ रख दिया और फिर बहुत धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई फकीर के हाथ में कागज का एक टुकड़ा नजर आया जिसे वह बार बार मर रहा था क्या उस औरत ने यह कागज दिया है यह क्या रहस्य है उसको जानने के कुतूहल से अधीर होकर मैं नीचे आया और फ़क़ीर के पास जाकर खड़ा हो गया मेरी आहट आते ही फ़कीर ने उस कागज़ के पुर्जे को उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और पूछा बाबा देखो यह क्या चीज़ है मैंने देखा दस रुपये का नोट था बोला दस रुपये का नोट है कहाँ पाया मैंने और कुछ न कहा उस औरत की तरफ़ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी वह कई गलियों में होती हुई एक टूटे फूटे मकान के दरवाजे पर रुकी ताला खोला और अंदर चली गई रात को कुछ पूछना ठीक न समझकर मैं लौट आया रात भर जी उसी तरफ लगा रहा एकदम तड़के फिर मैं उस गली में जा पहुंचा मालूम हुआ वह एक अनाथ विधवा है मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा देवी मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं औरत बाहर निकल आई गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर मैंने हिचकते हुए कहा आपने फकीर। देवी ने बात काटते हुए कहा अजी वह क्या बात थी मुझे वह नोट पड़ा मिल गया था मेरे किस काम का था मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया